अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी खबर, तनख्वाहों और पेंशन में मज़ीद 15% इजाफा तजवीज़ काबीना ने मंजूरी दी, तो इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसीलिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का। खुद हुकूमती शख्सियत ने भी इस खबर की तस्दीक की और अगीगा के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुशखबरी सुनाई। अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में मज़ीद 15% इजाफा तजवीज़ काबीना ने मंजूरी दी, तो वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा। ये कहना है जी खुद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब का भी कि जी हम वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा करने जा रहे हैं, और ये खबर की तस्दीक हो गई। और ख़ुद जो अगीगा की क़ियादत है KPK की, उन्होंने भी बताया कि ग्रेड 1 से 16 तक 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20, और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुलाजमीन अफवाहों पर तवज्जो ना दें। जो आपको मालूम है KPK ने पहले बजट में जो इजाफा किया था वो 10% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया था, फिर वादा किया गया था कि वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। तो ये अब अल्लाह की आदत अगीगा की, उन्होंने भी बताया है और ये अखबार की खबर भी है। तो KPK के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बहुत कंफ्यूज थे और टेंशन में थे कि ये वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा होता है कि नहीं, तो ये आज खुशखबरी मिल गई है। खुद KPK के वजीर आला ने भी ये वीडियो क्लिप उनका आया हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि जी हम तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करेंगे। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।